शुरुआत करते हैं। मेरा नाम महावीर सारण है, राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूं, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2500 रुपये की प्राइवेट जॉब करता था, कंप्यूटर में बच्चों को एजुकेशन देता था। आरसीएम बिजनेस हमारी फैमिली में आया मेरे बड़े भाई साहब के द्वारा। इस बिजनेस में मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, जिनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा, मेरा जो भी प्रतिबिंब है उनकी छाया है। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मैंने ये सीखा कि लाइफ में गोल कैसे सेट किया जाता है, गोल की क्या महत्व होता है, गोल से इंसान के जीवन की क्या वैल्यू बनती है, किस तरह से जीवन में गोल के आ जाने से जीवन हमारा बदलना शुरू हो जाता है। मुझे जो आज टॉपिक दिया गया है वो गोल सेटिंग से दिया गया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में गोल का क्या महत्व है। आप लोग तैयार हैं? चर्चा करते हैं सर, जीवन में महत्व किस चीज़ का है, हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताएं, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में कामयाब होते हैं, अलग अलग जीवन में लोगों के गोल होते हैं, किसी का सोशल गोल है, किसी का आर्थिक गोल है, जीवन में राजनीतिक गोल है, कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का गोल लेता है। अगर जीवन में हमारा गोल है तभी हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़। आज से कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई, हजारों साल पहले, फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे एक शोध किया गया, 100 लोगों पे एक टेस्ट किया गया और उन्हें पूछा गया कि लाइफ में आपका गोल क्या है। उस शोध में 84 लोगों ने कहा हमारा कोई गोल नहीं है, हम इस क्लास को के पर्टिकुलर, किसी ने कहा हम डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, 13% लोगों ने किसी फील्ड का नाम बताया, लेकिन 1900 लोगों में से 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल, अपने टारगेट को कॉपी पे लिख रखा था कि सर आज से 25 साल बाद हम अपने शहर के सबसे महान डॉक्टर बनेंगे, हम अपने शहर के सबसे महान बिजनेसमैन बनेंगे, 25 साल बाद हम अपने इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और उनको 25 साल बाद जब ट्रेस किया गया तो जिम जिंगलर साहब क्या बोलते हैं कि आंकड़े बहुत ही एक्साइटमेंट वाले थे। 84% जो लोग थे वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे थे, 13% जो लोग थे वो अपने जीवन को खुशहाल जी रहे थे, लेकिन 84% से काफ़ी जीवन में वो आगे थे। और जो 3% लोग थे वो लोग थे जो अपने जीवन को सफलतम लेवल पे जी रहे थे, जो 25 साल पहले उन्होंने फाइनल किया था। अगर हमारा गोल स्पष्ट है, अगर हमारा जीवन में गोल है तो हम जीवन में कितनी भी बड़ी अचीवमेंट लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में जो गोल सेट करते हैं अलग अलग फील्ड में वो अपने गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को यहाँ से अगर बहादुरगढ़ जाना हो, मेरे पास 5 माइल होंगे, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं बाइक से जा सकता हूँ, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन या बस से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना हो, मेरी तैयारी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? हेलो, मेरा व्हीकल चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? मेरी सोच, मेरी प्रिपरेशन सब चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा गोल सेट हो जाए कि मेरे को अमेरिका जाना है, इतने लोगों को लगता है मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरा व्हीकल सब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब लाइफ में जब हमारा गोल सेट होता है तभी हमारे जीवन की दिशा बनती है। जिस इंसान का जीवन में कोई गोल नहीं होता उस इंसान का किसी साम्राज्य कहते हैं जीवन में कोई मोल नहीं होता। आइए चेक करते हैं जीवन में गोल का क्या महत्व है और कैसे हम गोल डिजाइन करके अपने जीवन को महान उद्देश्यों की तरफ लेके जा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं जीवन में एक सफलतम जीवन हम जी के इस दुनिया से जाए ताकि लोग हमें कॉपी करें, चाहते हैं? आइए चर्चा करते हैं सर। एक शब्द होता है ड्रीम, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की सेमिनारों में मैंने सुना, बहुत सारी बुकें इस नाम से बिकती है ड्रीम। ड्रीम और गोल में क्या अंतर होता है सर? देखिए, इच्छाएं, डिजायर, ड्रीम 100% लोगों की होती है, लेकिन 97% लोग केवल ड्रीम को लेके पैदा होते हैं और ड्रीम को लेके मर जाते हैं। 3% वो बहादुर, वो नौजवान, वो साहसी लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, आइए चेक करते हैं। हमारा ड्रीम गोल कब बनता है? जब किसी भी इंसान के ड्रीम पे गेट डल जाए, उस दिन हर इंसान का ड्रीम क्या बन जाता है साहब? गेट वही व्यक्ति जान सकता है जो बहादुर होता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। आज इस ऑडिटोरियम में हम इसीलिए बैठे हैं दोस्त कि आज से कुछ साल पहले माननीय पीसी छाबड़ा जी ने एक ड्रीम देखा, उस पे डेट डाली और काम करना स्टार्ट किया। उसका नतीजा है कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है,
एक आदमी ने ड्रीम देखा, गोल बनाया कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करना है। एक इंसान के गोल में 1 करोड़ लोग आ सकते हैं। हम अगर 1 करोड़ लोग गोल ले लें तो पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया में तब्दील किया जा सकता है। गोल सेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर हमें जिंदगी में कोई गोल सेट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा कि मैं चाहता क्या हूं। हेलो, शिष्य के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऐसे करना सर, राइट हैंड ऐसे करेंगे और शिष्य के सामने खड़े होकर अपने आप से एक बात करेंगे, क्या करना क्या चाहता है। जोर से बोलेंगे, लाइफ में करना क्या चाहता है, लाइफ में करना क्या चाहता है, कब तक चाहता है, कब तक चाहता है और कितना बड़ा चाहता है, और कितना बड़ा चाहता है। जब तक ये सवाल अपने आप से नहीं करेंगे तब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे। यस और नो? नो डायरेक्शन मीन्स नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन। अगर हमें डिसाइड ही नहीं किया जाना किधर है